नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइज़र में। और दोस्तों, यहाँ पे DELED के रिजल्ट को लेके यहाँ पे बड़ा जो अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे DELED के रिजल्ट में यहाँ पे लेट हो सकता है। तो इस वीडियो में पोर्टल में जानेंगे यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। दोस्तों, इसके हम जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि DELED के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 11 जून का जो है ये आज का रिपोर्ट है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे नीचे देखें हेडलाइन जो दिया गया है, 3 माह बाद आएगा गुरुजी का रिजल्ट, यानी कि 3 मंथ के बाद जो है DELED का यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने की उम्मीद है। और फिर नीचे देखें, नीचे यहाँ पे लिखा गया है, राज्य के बाहर जाएंगी DELED की कॉपियाँ, NIOS का दावा, मूल्यांकन में भी परीक्षा जैसी कड़ाई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एक स्टेट का कॉपी है, यानी कि एक स्टेट के जितने भी शिक्षक के उत्तर पुस्तिका था, वो सारे जो उत्तर पुस्तिका है यानी कि आंसर सीट है, वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं यहाँ पे जांच के लिए। और यहाँ पे देखिए NIOS के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि मूल्यांकन में जो है काफ़ी यहाँ पे कड़ाई भी होगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर इस न्यूज़ में देखें तो यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा गया है, ये पटना का रिपोर्ट है, यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की प्राथमिक शिक्षा के द्वितीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि DELED की परीक्षा में बैठने वाले लाखों गुरुजी का रिजल्ट 3 माह बाद आएगा, रिजल्ट सितंबर में आने की संभावना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, जो कि एग्जाम जो है 501, 502 और 503 का 31 मई, 1 जून और 2 जून को हुआ था, तो उसका रिजल्ट सितंबर में आने की संभावना है। फिर आगे लिखा गया है, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS के प्राथमिक शिक्षा के द्वितीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम DELED में प्रशिक्षण ले रहे देश भर के 12,61,521 शिक्षकों की पहली परीक्षा 31 मई से शुरू होकर 2 जून तक चली। यह परीक्षा देश भर में 3,186 परीक्षा केंद्रों पर हुई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर था पूरे देश में जो है 3,186 जो है परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाए गए थे। 3 दिनों तक विषयों की परीक्षा हुई। बिहार में इस परीक्षा में तकरीबन 2,69,371 शिक्षक 456 परीक्षा केंद्रों पर बैठे। तो यहाँ पे देखिए बिहार का रिपोर्ट बताया जा रहा है कि बिहार से जो है 2,69,371 शिक्षक जो है 456 परीक्षा केंद्रों पर बैठ के यहाँ पे एग्जाम दिए थे। और फिर आगे लिखा गया है, पहले दिन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया यानी कि एजुकेशन कल्चर पर्सवेटिक, दूसरे दिन पेडागोगिक प्रोसेसेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन एवं तीसरे दिन यानी कि शनिवार को लर्निंग लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल की परीक्षा हुई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के शैक्षणिक निदेशक संजय कुमार सिन्हा ने रविवार को दिल्ली से फोन पर आज को बताया कि कॉपियां भी उतनी ही कड़ाई से जांची जाएगी जितनी कड़ाई से परीक्षा हुई है। तो यहां पे देखें तो जिस तरह से आप सबों का यहां पे एग्जाम हुआ है उसी तरह से उसी लेवल से आपके एग्जाम के कॉपी को भी यहाँ पे चेक किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आगे लिखा गया है, इसके तहत हर राज्य की कॉपियां की जांच दूसरे राज्य में होगी। हालांकि परीक्षा में फेल करने वाले गुरुजी के साथ ही वैसे गुरुजी जिनकी परीक्षा छूट गई है वे 3 माह बाद होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 मंथ के बाद जो भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे एग्जाम होगा, अगर कोई भी शिक्षक यहाँ पे फेल हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश कोई शिक्षक यहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो वो जो है 3 मंथ बाद जो भी यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में बैठ के वो एग्जाम दे सकते हैं। और फिर आगे लिखा गया है, जबकि पास करने वाले गुरुजी 3 माह बाद होने वाली परीक्षा में सिर्फ 2 विषयों की परीक्षा देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 504 और 505 की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे जो भी शिक्षक यहाँ पे पास हो जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में वो सिर्फ जो है 504 और 505 का यहाँ पे बैठ के एग्जाम देंगे। और फिर आगे लिखा गया है, आपको याद होगा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत देश भर के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2019 से अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो है 1 अप्रैल 2019 के बाद जो है जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे जो भी यहाँ पे ट्रेंड शिक्षक है यानी कि जो भी DELED किए हुए शिक्षक हैं वही शिक्षक वहाँ पर पढ़ा पाएंगे। फिर आगे लिखा गया है, चाहे विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट, इसलिए ऐसे शिक्षक के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि जो भी यहाँ पे DELED का कार्यक्रम चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे जो है NIOS के द्वारा आप सबों को यहाँ पे DELED कराया जा रहा है। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है, ताकि 31 मार्च 2019 तक उनकी ट्रेनिंग हो जाए, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर देश भर के तकरीबन 14 लाख शिक्षक ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो टोटल जो 14 लाख शिक्षक के द्वारा जो है DELED में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। फिर आगे लिखा गया है, इसमें सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूल के भी, इसमें 2,90,000 शिक्षक बिहार के हैं, इस पाठ्यक्रम के जरिए ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे हैं।
शिक्षकों में सबसे ज़्यादा बिहार के शिक्षक हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो बिहार के शिक्षक हैं जो कि DELED NIOS से यहाँ पे कर रहे हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग का पाठ देश भर के अध्ययन केंद्रों पर पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपका जो भी यहाँ पे स्टडी सेंटर था, जो भी वहाँ पे PCP क्लास लगे हैं, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे उसका पाठ्यक्रम था, जो भी उसका यहाँ पे पाठ था, वो जो है जितने भी अध्ययन केंद्र हैं वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। और अभी देखें तो काफ़ी सारे जगह जो भी यहाँ पे WBA का क्लास है, जैसे कि बिहार में जो है अभी यहाँ पे WBA का जो भी क्लास है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो काफ़ी सारे जगह यहाँ पे जो है WBA का क्लास यहाँ पे चल रहा है स्टडी सेंटर पे, और काफ़ी सारे जगह जो कुछ दिन के बाद वहाँ पे WBA का क्लास स्टार्ट होगा। फिर आगे लिखा गया है अध्ययन केंद्र एवं उसमें पढ़ने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्टडी सेंटर पे कोऑर्डिनेटर है या फिर जो भी आपका एग्जाम सेंटर था वहाँ पे जो भी आपके निरीक्षक थे, यानी कि जो भी इन्विजिलेटर थे, या फिर जो भी एग्जाम सेंटर पे जो भी पर्सन थे, उनका चयन जो है राज्य सरकार के स्तर पर यहाँ पे किया गया है। इसके साथ ही स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से भी उन्हें ट्रेनिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षु शिक्षक स्मार्टफोन पर भी इंटरनेट के जरिए प्रशिक्षण का पाठ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल है, जो भी आपका ऑडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, या फिर जो भी आपका PDF का मटेरियल है, वो स्वयं प्रभा चैनल पे भी वहाँ पे डाला गया है। तो वहाँ से भी शिक्षक यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल है जो भी DELED की वेबसाइट पर वहाँ पर डाला गया है, तो उसको डाउनलोड करके जो है स्मार्टफोन के जरिए भी जो है यहाँ पे शिक्षक अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेन बात यहाँ पे निकल के आता है कि जो भी आपके DELED के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो 3 माह बाद यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे NIOS के द्वारा यहाँ पे पहले बोला गया था कि रिजल्ट जो है 40 दिन के बाद यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 मंथ के बाद जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका जो DELED फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो सितंबर तक यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो ये दोस्तों आज का यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था। और दोस्तों आगे यहाँ पे कोई और अपडेट आता है NIOS से DELED को लेकर या फिर ब्रिज कोर्स को लेकर, तो आपको यहाँ पे इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो साथ बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।